सो क्वेश्चन नंबर 19, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड कैपिटल टी एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम जब जीरो होगा, इनिशियल की बात की है. इट इज एट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम. देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियली द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम का मतलब यू शुड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट. इट मीन्स इट्स वेरी सिंपल थिंग, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट. मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल लुक लाइक. तो वॉट विल बी द बिहेवियर ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम ग्राफ. ये बहुत ईजी है, यू कैन सॉल्व इट इन थ्री डिफरेंट मैथड्स. पहला मेथड तो ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, राइट. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड. तो मेथड नंबर वन, व्हाट वी नो इज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. This is what you should know. So, half m omega square a square minus a square sin square omega t. क्योंकि x की जगह पे हम लोग a sin omega t substitute करने वाले हैं. तो half m omega square a square common, 1 minus sin square omega t. 1 minus sin square is nothing but cos square. तो half m omega square a square cos square omega t. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज अ कांस्टेंट, है ना. क्योंकि एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन एम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो जब टी इक्वल टू जीरो आएगा तो कॉस स्क्वायर जीरो इज वन, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ this particular graph figure, x equal to zero मतलब यहाँ पे मतलब t equal to zero, क्योंकि हमको बोला गया है कि particle mean से start हो रहा है. तो when you put t equal to zero, kinetic energy at t equal to zero is just half m omega square a square, मतलब k a square by 2. maximum kinetic energy is at the center, correct. मतलब बी और सी तो हो नहीं सकते, सो यू विल हैव ऑप्शन फ्रॉम ए और डी बेसिकली, राइट. तो देखते हैं अब. देन हमको पता है कि जब पार्टिकल सी पे पहुंचेगा तो एक्स इक्वल टू ए होता है और टी इज इक्वल टू टी बाई फोर होता है. दिस इज व्हाट वी नो, क्योंकि हमको पता है कि मीन से एक्सट्रीम तक आने के लिए टी बाई फोर टाइम लगता है, फिर वापस एक्सट्रीम से मीन तक जाने के लिए और टी बाय फोर लगता है, फिर यहाँ से वापस लेफ्ट एक्सट्रीम में जाने के लिए टी बाय फोर लगता है, एंड वापस मीन पे आने के लिए टी बाय फोर टाइम लगता है, करेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट टी बाय फोर टाइम इज, वी ऑलरेडी नो इट इज गोइंग टू बी जीरो. क्यों, सब्स्टिट्यूट करके देखो अगर आपको डाउट होगा तो. एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos square omega, omega is 2 pi by t and t small t is t by 4, cancel 1 za 2 za, cos pi by 2 is 0, so this turns out to be 0. Matlab kinetic energy at t is equal to 2 t by 4 is 0, so ye 0 mil gaya aapko ye mil gaya maximum yahan pe, correct. Then नेक्स्ट थिंग इज एट टी बाई टू, मैंने आपको बताया एट टी बाई टू, सो काइनेटिक एनर्जी एट टी बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई बाय टाइम पीरियड टी बाई टू, कैंसल कॉस स्क्वायर पाई इज वन माइनस वन, उसका स्क्वायर प्लस वन. तो वापस से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही आ गया. तो मैक्सिमम वैल्यू ही आ गया फिर, तो फिर वापस से टी बाई टू पे मैक्सिमम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि
टी बाई टू पे इन ग्राफ डी जीरो बताया है, लेकिन टी बाई टू पे वापस से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन इज ए, दिस इज मेथड वन। मेथड टू इज एक्चुअली ओरल मेथड, अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझा है तो। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बोला है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हमको ऑलरेडी पता है मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो होता है, और पार्टिकल एक्सट्रीम पे कब पहुंचता है, टी बाई फोर पे पहुंचता है, फिर वापस और टी बाई फोर मतलब टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर वापिस से पार्टिकल आ गया अपने अपने मेन पोजीशन पे, मतलब वापस से वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, तो वापस से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो ये देख के ही आपको ग्राफ समझ आना चाहिए था, दैट इज मेथड नंबर टू। मेथड टू इज जस्ट ओरल मेथड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20th। अ सिल्वर एटम इन अ सॉलिड ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सम डायरेक्शन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^12 per second। आपको फ्रीक्वेंसी बोला है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता है कि यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू चेक इफ यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ एन और ओमेगा। ओमेगा कभी भी रेडियन पर सेकेंड में होता है, ये आपको पर सेकेंड बोला है, मतलब आपको एन की वैल्यू दी हुई है। ओके, यू हैव टू बी श्योर अबाउट दिस। तो ओमेगा आपको मिल जाएगा 2π × n, मतलब 2π × 10^12, ओके, रेडियन पर सेकेंड। देन व्हाट इज अ फोर्स कांस्टेंट, आपको फोर्स कांस्टेंट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एवोगाड्रोस नंबर दिया है। इट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ऑल दिस, बट स्टिल एनीवेज जरूरत कहाँ पड़ेगी हम देखेंगे। व्हाट वी सपोज टू फाइंड दिस फोर्स कांस्टेंट, राइट। फोर्स कांस्टेंट मतलब आपको ऑलरेडी पता है ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ K/m, या फिर आपको ऑलरेडी पता है K इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग, राइट। ओमेगा हमने अभी फाइंड किया, m इज इम्पोर्टेंट टू नो, हाउ डू यू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर, यू नो व्हाट इज m, ये बताना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस स्मॉल m, दिस स्मॉल m इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर into omega square, ये पता होना चाहिए आपको। If you don't know this, then you will not be able to solve this, and this comes from basics. और ये basics मैंने kinetic theory of gases में भी बताया है आपको, that how do you find out this small m? It is capital M upon Avogadro's number. So 108 upon Avogadro's number is 6.02 × 10^23 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है, मैं वापस बता रहा हूँ, ग्राम पर मोल है, तो इसको किलोग्राम पर मोल करना पड़ेगा। इफ यू डोंट लुक हियर एट दिस पर्टिकुलर जी, देन अगेन यू विल लूज मार्क्स, एंड ओमेगा इज 2π × 10^12 और उसका स्क्वायर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंस स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m/NA, देन यू शुड नो कि हमने इसको ग्राम से किलोग्राम पर मोल करने के लिए क्या किया है। दिस इज सिंपल, ओके, सो यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम, तो यू शुड एडजस्ट दैट पावर वेयर इन द डिनोमिनेटर और इन द न्यूमरेटर, वो आप देखो क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मैंने इंटेंशनली इसको यहाँ पे लिखा है, यू नीड टू चेक ये न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा। माई जॉब इज टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट टू अप्लाई, एंड कैलकुलेशन पार्ट एंड बेसिक पार्ट हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ, तो खुद को करना है, वो चेक करना है ये न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा। देन इट इज वेरी सिंपल, उसके बाद तो क्या है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने हैं, एंड ओरली ओरली इफ यू से 1.7 × 2 रफली दिस इज 2π, 2π इज 6.28 मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसका स्क्वायर होगा 4π स्क्वायर इज अराउंड 40, 7 × 10.8 अराउंड 7 point something आएगा। यस, कैसे पता लगा, इजी है, यहाँ पे 2π का स्क्वायर मतलब 4π स्क्वायर, पाई स्क्वायर रफली 10, तो ये जो टर्म है स्क्वायर करने का रफली 4π स्क्वायर, 4 × 10 मतलब रफली 40 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 40 है, और 6 × 7 = 42, तो रफली ये 7 आ गया, और 7 ×
100 roughly 700, बाकी जैसे 10 के पावर का एडजस्टमेंट होगा तो 7.1 इज द आंसर. आई एम लिविंग दिस थिंग ऑन टू यू बिकॉज आई डोंट वांट टू डू कैलकुलेशंस. तो ये जो आपको करना है ये आपको ही करना है कैलकुलेशंस, एंड आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द आंसर व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो प्रिटी सिंपल टास्क, बहुत सिंपल सा जॉब था ये. तो यू हैव टू जस्ट नो फ्यू थिंग्स, उसमें से एक तो ये है. राइट, गुड. नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1 एंड टाइम पीरियड T1. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y=kt², where k is equal to 1 meter per second square. If new time period is t2, then ratio t1 square by t2 square will be. Yeah, 21st question I have intentionally kept pending. Wo next sessions mein lunga main, because we need to know few more things for that. Okay, so yahan pe according to this question, humare paas ek simple pendulum hai. The point of suspension, matlab suppose ye P point hai suspension ka, it is moved upward according to the equation. So ye jo point of suspension hai P, humne isko hi upper move kar diya. So we have moved that upwards, right? Upward matlab along y with that equation which is y=kt². Q equation ki zarurat kahan padegi? अगर आपको याद होगा हमने लिफ्ट का केस लिया था, लिफ्ट में एक पेंडुलम है. नाउ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, राइट, करेक्ट. तो जब भी एक सिस्टम लाइक अ पेंडुलम ऊपर या नीचे मूव होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है और टाइम पीरियड डिपेंड करता है 1/√g पे. सी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2π√L/g. तो मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g, एंड सिंस यू आर मूविंग द सिस्टम अप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज. नाउ द न्यू मतलब द न्यू एक्सेलरेशन ओवरऑल, नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट द एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज 1/√g. व्हाट आई एम सेइंग इज वी नो दैट हमें क्या पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π√length/g. अब जब मैं सिस्टम को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, मैं लेंथ नहीं चेंज कर रहा, मतलब ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज g, राइट. देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज t2/t1 और स्क्वायर बाद में करेंगे हम लोग इज इक्वल टू √g1/g2 बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देयरफॉर t2/t1 का ब्रैकेट स्क्वायर, t2/t1 का स्क्वायर विल बी g1/g2, एंड व्हाट वी नो इज g1 इज जस्ट g बिकॉज इन दैट केस वी डिड नॉट मूव द सिस्टम, बट g2 इज g प्लस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन सिंस द सिस्टम इज गोइंग अप, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज गोइंग अप. जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे आएगा तो g-a लिखते हैं हम लोग. वो कैसे लिखते हैं आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, राइट. और a अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग y डायरेक्शन, इट इज मूव्ड अप अलोंग y एक्सिस, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ना इसको हम लोग, दैट्स y. तो ओनली टास्क दैट यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट व्हाट इज ay, कैसे निकालोगे. बट लेट मी से दिस इक्वेशन इज नंबर 1, दिस इक्वेशन इज नंबर 2. But what you know is, but what we know is y is equal to kt square, and what we know is velocity vy is dy/dt. So that is, iska derivative lunga to main 2kt milega, right. Also what we know is ay is rate of change of velocity, y component of velocity with respect to time. To humko pata hai hum log velocity kaise nikalte hain, acceleration kaise nikalte hain, to 2k aa gaya. तो 2 × k की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 2 मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ay की वैल्यू. देयरफॉर इसको 3 बोलता हूं. देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 t2/t1 का स्क्वायर, राइट,
ये जो ए वाई की वैल्यू है ये जाएगी इक्वेशन टू में, करेक्ट, और जी वन जी टू की वैल्यू ये यहाँ से आएगा, तो जी वन की वैल्यू जी है और जी टू की वैल्यू जी प्लस ए वाई है, लेकिन ए वाई की वैल्यू टू आई, तो जी अपॉन जी प्लस टू ऐसा हमारे पास आ गया। अब जी की वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं तो नीचे आ गया 10 प्लस 2 12, तो 5 बाई 6 आ गया, तो टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर इज नथिंग बट 5 बाई 6 है क्या? 5 बाई 6, यस वी हैव 5 बाई 6 ओवर देयर, मिल गया हमको इक्वेशन, राइट, गुड। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ओके। तो इजी था, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी इज, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, इट इज इफ द सिस्टम, इफ द पेंडुलम इज मूविंग अप, सिर्फ उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो चेंज होगा और इसलिए टाइम पीरियड चेंज होगा, एंड यू शुड जस्ट नो द फॉर्मूला, बस उतना ही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो इजी क्वेश्चन था, नथिंग डिफिकल्ट रियली। 23, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ चिंपैंजी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप सडनली, द टाइम पीरियड विल बी, तो मान लो आप वो चिंपैंजी हो, ह्यूमंस, चिंपैंजी ह्यूमंस, हम लोग झूले पे बैठे हैं, स्विंग है, पहले हम या फिर चिंपैंजी सिटिंग पोजीशन में होगा, राइट। द थिंग इज इन क्वेश्चन 22 मैंने यहां पे टी वन स्क्वायर बाई टी टू स्क्वायर की जगह पर टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर निकाल दिया, तो रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल कर लोगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सो दैट इज फाइन। टी वन स्क्वायर बाई टी टू स्क्वायर बोला है हमने, टी टू बाई टी वन स्क्वायर निकाला है, दैट इज आर परफेक्टली फाइन, यस। ओनली थिंग वॉज कि आंसर टेक करते वक्त करेक्ट करना है, एंड आई वॉज लुकिंग एट दैट एंड आई सॉ टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर, सो Pardon me for my mistake. Anyways, तो चिंपैंजी जो था वो पहले बैठा हुआ है, तो इन सिटिंग पोजिशन लेंथ इज एल, ओके। अब चिंपैंजी ने क्या किया, बाय द वे लेट मी शो इट इन अ डिफरेंट वे बिकॉज देन अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, ओके। थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, मान लेना ये ऐसा है कि चिंपैंजी वॉज इन सिटिंग पोजिशन अर्लियर, ये सिटिंग पोजिशन है, सिटिंग पोजिशन में क्या फर्क पड़ा, सिटिंग पोजिशन में आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, तो लेंथ मैं जो लूंगा पेंडुलम का, दैट लेंथ लेट अस से इज एल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही हम लोग मास मेजर करेंगे बेसिकली। सो अब ऐसा क्यों, देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम कभी भी बॉब पता है ना, बॉब एक्चुअली ये स्टार्ट होना चाहिए आइडल पेंडुलम का, आपको पता होना चाहिए आइडल पेंडुलम क्या होता है, यू हैव अ फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस है, उसके बाद ऑल द मास इज इन द पॉइंट, तो इंस्टेड ऑफ बॉब हमारे पास बॉब की जगह पे एक पॉइंट मास होता है, दैट इज आइडियल पेंडुलम, लेकिन इन रियलिटी यू कैन नॉट हैव ऑल द मास इन अ पॉइंट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बॉब ले लेते हैं, ये हो गया बॉब आपका, करेक्ट, सो ये हो गया आपका बॉब। अब ऐसा है कि फिर लेंथ कहाँ से मेजर करें, एक तो पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन से, दूसरा कहां तक मेजर करें, तो कभी भी सेंटर ऑफ मास तक लेंथ मेजर होता है, फिर हम लोग लिखते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, करेक्ट। अब चिंपैंजी के केस में भी पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन से, वो झूले पर बैठा है, स्विंग पर बैठा है,
तो उसके सेंटर ऑफ मास का लेंथ मेजर होगा। गुड। अब जब वो चिंपैंजी सडनली खड़ा हो गया, जब वो चिंपैंजी सडनली खड़ा हो गया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो स्विंग पे चिंपैंजी सडनली खड़ा हो गया। अब चिंपैंजी सडनली खड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर आ गया, मतलब जो लेंथ है पेंडुलम का वो कम हो गया, मतलब एल डैश हैज बिकम लेस देन एल। राइट अब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, राइट करेक्ट, देयरफॉर टी डैश विल ऑल्सो बी लेस देन टी, क्योंकि टाइम लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। राइट तो टाइम पीरियड विल व्हाट? द टाइम पीरियड विल डिक्रीज। तो सिर्फ इस चिंपैंजी की जगह पे आप ह्यूमन भी बिठा सकते हो। तो हुआ क्या है, जस्ट बिकॉज दैट चिंपैंजी हैज सडनली वो खड़ा हो गया है, देन द टाइम पीरियड हैज डिक्रीज। ओके, बिकॉज द लेंथ हैज डिक्रीज। लेंथ ऑफ व्हाट? नॉट ऑफ द स्विंग, क्योंकि हम लोग लेंथ मेजर करते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसके लिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th। अ पेंडुलम मेड अप ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज अ टाइम पीरियड कैपिटल टी। पेंडुलम है जिसका वायर है, उसका एरिया है ए, उसका टाइम पीरियड है टी। लेट मी शो इट लाइक दिस। ओके जस्ट अ मिनट। नो आई डोंट हैव द शेप दैट आई नीड, सो एनीवेज आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। समझ लेना कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये यूनिफॉर्म है, समथिंग लाइक दिस। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये लेंथ जो था, ये लेंथ जो है ये एल है बेसिकली, मान लो सम लेंथ एल। व्हेन एन एडिशनल मास एम इज एडेड टू द बॉब, मतलब पहले यहाँ पे बॉब था, अब हमने इस बॉब पे एक एडिशनल मास लगा दिया है। मान लेते हैं कि हमने इस बॉब पे एडिशनल मास लगाया है, ये बॉब है और इस बॉब के ऊपर हम लोगों ने एक एडिशनल मास लगा दिया है, सो दिस इज एडिशनल मास। तो ये जो एडिशनल मास लगाया है उसकी वजह से जो लेंथ है वो लेंथ चेंज होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल, आपके पास एक रस्सी है, उस रस्सी पे आपने एक बॉल को बांधा है और लेंथ एल है, और उसके बाद क्या होगा दैट इफ यू पुट एक्स्ट्रा मास इन द बॉब देर विल बी एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। और हमने एडिशनल मास जो लगाया है दैट इज एम। व्हेन एन एडिशनल मास कैपिटल एम इज एडेड टू द बॉब द टाइम पीरियड चेंजेस टू टी एम, मतलब पहले केस में टाइम पीरियड टी था, अभी टी एम हो गया। इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज वाई, देन वन अपॉन वाई इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या होता है। यू शुड नो दिस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब व्हेन यू ऐड सम मास ऑन अ वायर द लेंथ इंक्रीजेस, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन दैट वायर, क्योंकि ये जो एरिया है ना वायर का, जो एरिया है इस पे फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ओके एनीवेज मतलब हम देखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे। और स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस टॉक्स अबाउट टेंसाइल टेंशन मतलब रिलेटेड टू लेंथ। तो यहाँ पे जो मैंने मास लगाया उसके से लेंथ चेंज हुआ है, तो आपको वन अपॉन वाई का रेशियो पूछा है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमको पता है टाइम पीरियड टी इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, राइट। फर्स्ट केस, ये केस वन का टी है। ओके केस टू में तो मैं टी वन इक्वल टू टी लिखता हूँ, केस
केस टू में टी टू विल बी इक्वल टू टी एम, उन्होंने बोला है टी एम से डिनोट करो, तो टी एम से डिनोट करो, टू पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ प्लस डेल्टा लेंथ बाय जी, क्यों, क्योंकि पहले लेंथ था एल और बाद में मैंने जो मास अटैच किया है एक्स्ट्रा मास जो लगा दिया मैंने उसके से लेंथ चेंज हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया ना, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो एल था ही, अब लेंथ इंक्रीज हो गया, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टी टू बाई टी वन कर लेता हूँ, मतलब मैं टी एम अपॉन टी का रेशियो ले लेता हूँ, रेशियो लेने के बाद क्या आएगा, एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि जी और टू पाई कॉन्स्टेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, गुड। बट वट आई कैन डू इज इफ आई स्क्वेयर दिस राइट, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इफ वी स्क्वेयर दिस तो हमको मिल जाएगा टी एम अपॉन टी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल अपॉन वोल एल था, तो मैं इंडिविजुअली इसको सिर्फ सेपरेट कर देता हूं, देयरफॉर मुझे मिलेगा टी एम बाई टी का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस डेल्टा एल, और अंडर रूट तो हटा दिया हमने, बट व्हाट वी नो इज हमको क्या पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये कहां से आया मैं बता देता हूं आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था यंग्स मॉडुलस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, और ये आपका 11th में होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू फोर्स मतलब कितना है ये बॉब की वजह से जितना होगा वो राइट, क्योंकि वाई द वायर विल बी एक्सटेंडेड बिकॉज देयर इज अ फोर्स एम जी एक्टिंग, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट होगा, वेट की वजह से वायर पे वो बॉब लगाया इसलिए वायर एक्सटेंड होगा, तो एम जी अपॉन ए, ये स्मॉल एल ऊपर गया तो और नीचे डेल्टा एल, तो ये है यंग्स मॉडुलस, मतलब मुझे यहां से मिल जाएगा डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू एम जी बाय ए वाई, और ये जो इक्वेशन नंबर टू है मैं इसको इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू I am going to substitute delta L by L equal to mg by Ay in equation number 1. Therefore, I am going to get Tm upon T ka square equal to 1 plus mg by Ay. Our interest is to find out 1 upon Y. Therefore, what I can say is mg by Ay, a capital Y because Young's modulus is denoted by capital Y, is equal to Tm by T ka square minus 1. Therefore, what I am going to get is 1 upon Y is equal to Tm by T ka square minus 1 into A by Mg. Yaad rakhna, humko 1 by Y poocha hai, Y nahi poocha hai. We have been asked what is 1 by Y. So, Tm by T whole square माइनस वन ए बाई एम जी, ऐसा कहीं पे है क्या, टी एम बाई टी स्क्वायर माइनस वन ए बाई एम जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास एक पेंडुलम था, मतलब बेसिकली पेंडुलम था उसका बॉब मासलेस था, ऐसा मान लो मास था ही नहीं राइट, फिर हमने उस केस में लेंथ रहा होगा एल, फिर हमने क्या किया, हमने एक एक्स्ट्रा मास कैपिटल एम लगा दिया, उसकी वजह से वायर हुआ इलांगेट, गुड राइट, तो देयर इज इलांगेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा मास राइट। तो पहले केस में जो टाइम पीरियड था वो था 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, दूसरे केस में जो टाइम पीरियड आया वो आया 2
टू पाई रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल बाई जी, तो दोनों का रेशियो ले लिया, तो टी एम अपॉन टी इज रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल बाई एल, फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, तो डेल्टा एल बाई एल मुझे चाहिए, बट मुझे यंग मॉडुलस का डेफिनेशन पता है, दैट इज फोर्स अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया वॉल अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो फोर्स है एम जी, एफ इक्वल टू एम जी, तो वाई मिल गया एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बाई एल मिल गया मुझे एम जी बाई ए वाई, तो फ्रॉम वन एंड टू, मतलब इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, एंड देन जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वी आर डन, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच अ क्वेश्चन, गुड गुड इनफ. सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन.